दोस्तों एक दिन और हमें फाइटर मूवी मिलने वाली है और ये मूवी अभी से ही रिकॉर्ड तोड़ते नजर आई है। यहाँ दोस्तों ऋतिक रोशन की पिछली मूवी की बात करें विक्रम वेधा या फिर वॉर, भाई साहब ओवरसीज में एडवांस बुकिंग के मामले में फाइटर मूवी इनके रिकॉर्ड अभी से तोड़ते नजर आ रही है। अभी सारी चीजों पर बात करेंगे, कितने का इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कितना क्या कलेक्शन ये अभी तक कर चुके हैं, ओवरसीज से कितना कर चुके हैं, नेशनल चेन से कितना आ चुका है, यानी इंडियन इंडिया से कितना कलेक्शन हो चुका है और कहाँ कहाँ बुकिंग ओपन हो चुकी है, सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन क्या करना है, पहले वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। हिंदी 2D की बात करें तो 1,21,60,464 की एडवांस बुकिंग यहाँ से हो चुकी है, जहाँ पर 45,113 टिकट ये लोग बेच चुके हैं। 3,771 सोच है इनके खाते में। हिंदी 3D, भाई 3D में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, एयर स्ट्राइक को लोग अच्छे हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं। 2,04,31,000 की बुकिंग यहां से हुई है, 61,676 का टिकट टोटल ये लोग सेल कर चुके हैं और 4,707 सोच इनके खाते में आ चुके हैं। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो भाई साहब 34,69,000 का एडवांस बुकिंग यहां से ले चुके हैं, 5,972 टिकट सोल्ड आउट कर चुके हैं और 117 सोच है इनके खाते में। हिंदी 4DX 3D की बात करें तो 9,20,885 एडवांस बुकिंग यहां से हो चुकी है और 1,566 टिकट ये लोग यहां से बेच चुके हैं और 104 सोच है। ऑल वर्जन्स, ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्जन्स, इन चारों वर्जन को मिला के देखें तो 3,70,00,000 के आसपास ये लोग एडवांस बुकिंग यहां से ले चुके हैं और टोटल टिकट 1,14,327 ये लोग बेच चुके हैं अभी तक और टोटल सोच इनके खाते में कितने आ चुके हैं, 8,699 सोच। तो भाई साहब देखा जाए तो एक दिन पहले यानी शुरुआत जब ओपनिंग हुई थी तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, लेकिन कल से और अभी तक देखा जाए तो 3,70,00,000, अगर 3 से 4 दिन इस एडवांस बुकिंग को हो चुके हैं, अभी तक कम से कम 10,00,000 तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी उतना रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपैरिजन बेस पे बोले तो जवान, पठान या फिर टाइगर या फिर लियो या सलार डंकी की बात कर लें तो अभी तक आते आते इन लोगों ने मतलब एक दिन पहले, जैसे 25 को मूवी रिलीज हो रही है और आज एक या दो दिन पहले तक 10,15,00,000 का एडवांस ये लोग अपने खाते में ले चुके थे। तो फाइटर के नाम उतना कलेक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब जनता उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। नेशनल चेन्स की बात करें तो नेशनल चेन्स में कल रात 8 या 9 बजे तक की रिपोर्ट है। PVR INOX को मिला के 39,500 टिकट ये लोग वहाँ बेच चुके थे एंड सिनेपॉलिस में 8,500 टिकट बेच चुके थे। टोटल अगर नेशनल चेन्स बताऊँ तो PVR INOX एंड सिनेपॉलिस को मिलाकर 48,000 टिकट इन्होंने वहाँ बेच रखे हैं। फाइटर ओवरसीज की बात करें तो भाई साहब ओवरसीज में कैसा क्या रिस्पॉन्स है, तो USA और कैनेडा से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्री सेल्स बुकिंग वहाँ के हिसाब से अगर बताऊँ तो $3,00,000 ये लोग अभी तक अपने खाते में ले चुके हैं। जो विक्रम वेधा का अगर मैं बताऊँ तो लाइफ टाइम एडवांस बुकिंग कलेक्शन था $3,70,000 के आसपास डॉलर में और वॉर का बताऊँ तो $3,11,000 के आसपास। तो एडवांस बुकिंग में भाई ओवरसीज में तो जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही, लेकिन भाई इंडिया में उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो देखा जाएगा कितना क्या कलेक्शन करती है। भाई एडवांस बुकिंग अगर इस हिसाब की चलती रही तो डे वन के लिए 15 से 20 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग देखने को मिली, लेकिन कल तक जो था कल तक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था। अगर ऐसे ही एडवांस बुकिंग मिली तो भाई डे वन की ओपनिंग बहुत लो जाने वाली है, मिनिमम 30 से 35 करोड़ या फिर 40 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ओपनिंग होने वाली है। आप लोगों की क्या राय है, क्या ये मूवी डे वन पर कितना ला सकती है, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय। We'll be right back.